हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज नंबर 14.3। एंड स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 शायद डिस्कस करना था, नहीं 6 भी हो गया था, 7th वाला बता देते हैं। अगर 6 डिस्कस नहीं भी किया है तो 7th वाले की तरीके सेम एज क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज डाल देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 14.3। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका है 7th। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं हमारे ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी ऑफ, देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16। सो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ए की प्लेस पर देखिए ए प्लस बी और बी की प्लेस पर 4 है। सो फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है ए प्लस बी का होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस 4, और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी का होता है ए प्लस बी, ए की प्लेस पर ए प्लस बी एंड बी की प्लेस पर 4। ओके, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें, सो 1 माइनस 100 ए स्क्वायर, तो देखिए 1 के ऊपर अगर कोई 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो बेटा कोई इफेक्ट होगा क्या? और ये 100 ए स्क्वायर जो है वो 10 ए ऑफ होल स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 10 ए, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 प्लस 10 ए एंड सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस 10 ए। ओके, अगर 9th नंबर क्वेश्चंस की बात करें, आज बेटा सारे क्वेश्चन इस पार्ट के डिस्कस कर लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x ऑफ होल स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर इज 9y ऑफ होल स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 2x प्लस 9y एंड 2x माइनस 9y। ओके, 2x प्लस 9y, 2x माइनस 9y। क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं, a प्लस 2b ऑफ होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a की प्लेस पर a प्लस 2b है बेटा और b की प्लेस पर x a है, तो ठीक है, सो a प्लस b एंड a माइनस b, तो a प्लस b की a की प्लेस पर a प्लस 2b एंड b की प्लेस पर a। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a की प्लेस पर a प्लस 2b एंड b की प्लेस पर a। ठीक है, सो अभी देखिए इसमें डबल टर्म्स जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। देखिए a जो है 2 टाइम्स हो रहा है, a प्लस a 2a प्लस 2b एंड a से ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस बचेगा 2b। ठीक है, और ये बेटा फर्स्ट वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और बचेगा क्या, a प्लस बी और 2b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर। आज थोड़ा सा छोटा ही वीडियो रखते हैं, या एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, 11th नंबर और डिस्कस कर लेते हैं। 11th की प्लेस पर 12th वाला कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक है, 11th तो हो ही जाएगा। 11th में होमवर्क डाल लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो हम तो बताएंगे। ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन है, 5a माइनस 2b ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। ओके, सो देखिए अगर a और b की बात करी जाए, तो a की प्लेस पर है 5a माइनस 2b एंड b की प्लेस पर है 2a माइनस b, सो फर्स्ट ब्रैकेट होता है a प्लस b। ठीक है, या इसको लेट कर लीजिए, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 5a माइनस 2b को मैंने बेटा किसी अदर वेरिएबल को लेट कर लेंगे x, एंड सेकंड ब्रैकेट है 2a माइनस b को हमने लेट कर लिया y, सो फॉर्मूला हमारा बन गया x ऑफ स्क्वायर माइनस y ऑफ स्क्वायर। x ऑफ स्क्वायर माइनस y ऑफ स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा x प्लस y एंड x माइनस y।
तो x की प्लेस पर वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो 5a माइनस 2b प्लस 2a माइनस b, ओके, एंड x की प्लेस पर 5a माइनस 2b माइनस y की प्लेस पर है 2a माइनस b, सो माइनस 2a और प्लस b, साइन बेटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन क्या हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन हो जाएंगे चेंज। अब इसमें टू टर्म्स देखिए, a के हैं 5a और 2a, दोनों पॉजिटिव हैं ऐड हो जाएंगे 7a, और ये देखिए दोनों b वाले टर्म्स निगेटिव हैं, माइनस 2b माइनस b माइनस 3b, 5a माइनस 2a 3a एंड 2b माइनस 2b प्लस b माइनस b, ओके, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ओके, सो बाय, टेक केयर।